चीका के भवानी मंदिर में रविवार को जन नायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नव निर्वाचित विधायक ईश्वर सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। ईश्वर सिंह ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद वे गुल्ला चीका की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हरेक रविवार को चीका में खुले दरबार का आयोजन करके जन समस्याओं को सुना जाएगा। ईश्वर सिंह ने गुल्ला चीका की फोर लेन की मांग को भी जल्दी पूरा करवाने का भरोसा दिया। ईश्वर सिंह ने कहा कि क्षेत्र की नशे और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से वे अच्छी तरह से परिचित हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इलाके की जरूरतों का भी उनको ज्ञान है। ईश्वर सिंह ने क्षेत्र के किसानों की प्रगति के लिए काम करने का यकीन भी दिलाया। आइए जरा जन नायक जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायक ईश्वर सिंह की बात सुन लेते हैं। भाई हम तो जो है ना जमीन से भी नहीं उठता है, रेत से उठता है, और आज कुदरत ने मेरे को इतना मान सम्मान दे दिया, हरियाणा के अंदर नाम हो रहा है। मैं हर अपने इलेक्शन में भी यही कहता हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि मैं जब कल्ला होकर के सोचता हूँ पिछली अपनी सारी गाथाएं के ईश्वर सिंह तू था क्या और आज कहाँ पहुंच गया। रब ने जो है तेरे पर कितनी मेहर करी, यदि आज भी मैं किसी के साथ धोखा करूं, दगा करूं, बुरा करूं, तो प्रला तो देखता है ना। ऐसा मैं कभी कर्म ना किया और ना करूंगा, आपका लीडर जो है ना ऐसा नहीं। मेरे से तो यूं भी बोला इतना कपड़े भी तंग है ना, कोई करंदी इतना कर जो है ना कुर्ता चाहिए वो फट दे देगा। कभी हिसाब किताब नहीं करता, कोई मुंह मांग लिया वही दे दिया और सारे मैंने भुगतने पड़ा मेरे पास। अब ये बात आ गई, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि उसका ये नतीजा है। सभी वर्करों ने जिन्होंने हमारे सारे इलेक्शन में काम किया, रात दिन एक किया, उनका धन्यवाद करना था। और पार्टी की मजबूत करने के लिए, संगठन बनाने के लिए करना जरूरी था। फोर लाइन की तो मैंने पब्लिक में अनाउंस कर दी कि 31/12 से पहले तैयार हो गया। अभी तो ओथ भी नहीं ली मैंने जी। अभी इतनी जल्दी तो जो है ना पर पूर्णा मेले तो बन दो जी। तो उसके बाद जो है ना नशा है, रिश्वत है, आपके यहाँ विकास की अधूरी सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और यहाँ दलाली करप्शन का बड़ा बोलबाला है। ये सारे मेरे नोट्स में हमने ये सेशन के बाद फिर नए सिरे से सरकार बनेगी जब, तो फिर एक्शन में आएंगे, एक्शन मोड में तो तब आएंगे जब सरकार बनेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जन नायक जनता पार्टी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।